रखे हैं स्ट्रीम कैलकुलेशन, और जिस तरह आपको पता है इंजनल चैप्टर का आज हमारा सवाल नंबर 9 है, सफ़ा नंबर 41 है हमारी बुक पे जो इस्माइल आवेद साहब की है। इसमें कह रहा है कि एक डबल एक्टिंग सिंगल सिलेंडर स्टीम इंजन के सिलेंडर का कुतर 15 सेंटीमीटर, हमारा जो सिलेंडर का कुतर है उसे डीजार करते हैं 15 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, 100 के साथ तकसीम करते हैं, ये आ गया 1.15 मीटर्स। लंबाई स्ट्रोक हमारे पास L है 20 सेंटीमीटर, इसको जब मीटर्स में कन्वर्ट किया ये आ गया 0.20 मीटर्स, ठीक है। और 20 किलोवाट इंडिकेटेड पावर पैदा कर रहा है, IP हमारी है 20 किलोवाट, इसको जब वाट्स में कन्वर्ट किया मल्टीप्लाई बाय 1000 किया तो ये हमारा आ गया 20,000 वाट्स, ठीक है। हमारे जो N हमारी इंजन की स्पीड है, RPM वो 300 RPM है, ठीक है, राउंड पर मिनट। इंजन को चलाने के लिए स्टीम प्रेशर मालूम करें, हमने हमारा PM मीन इफेक्टिव प्रेशर मालूम करना है जो स्टीम का हमारे पिस्टन के ऊपर लग रहा है, तो उसके लिए हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर मालूम करने के लिए हम हमारा वही पुराना फार्मूला IP मालूम करने वाला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें मीन इफेक्टिव प्रेशर है, तो ठीक है। IP इधर रह गया 60, इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आगे मल्टीप्लाई हो रहा है PM LA और LAN और मल्टीप्लाई 2, ये 2 इसलिए है क्योंकि हमारा जो इंजन है वो डबल एक्टिंग है, तो ये जो चारों वैल्यूज इधर मल्टीप्लाई हो रही है इधर आगे डिवाइड होंगी। अब इनमें हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, IP है हमारे पास 20,000 वाट मल्टीप्लाई 60 फार्मूले का वैसे ही, एल है हमारे पास 20 मल्टीप्लाई एरिया हमने यही निकाला है वही पुराने फार्मूले से, डी की कीमत हमने यहाँ से ली, इसमें पुट कर दी डी का स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ 3.4 किया तो ये आ गया 0.17 आ गया हमारे एन नंबर सॉरी स्पीड ऑफ इंजन है जो 300 RPM है और मल्टीप्लाई 2, ठीक है, ये इज इक्वल टू PM आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यूज का जब हमने जरब की और नीचे वाली वैल्यूज के साथ जरब दी और आपस में जब फिर डिवाइड किया तो ये आ गया हमारे पास 58.2। ये जो हमारी वैल्यू आई है ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आई है क्योंकि हमने सारे पीछे जो यूनिट से की कन्वर्जन की है पहले SI यूनिट्स में की है, तो हमारा जो जवाब आएगा वो भी SI यूनिट्स में आएगा। तो अब इसको अगर हमने बार में कन्वर्ट करना है तो हम सिंपल इसको डिवाइड बाई 100,000 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5.8 bar PM। तो दोस्तों ये थी क्लास नंबर 9 हमारे इंजन वाले चैप्टर की, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि कोई और भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज। तो दोस्तों आजकल ये जो वीडियो अपलोड होने में गैप आ रहा है एक दिन छोड़ के एक दिन, ये इसलिए है क्योंकि मेरे भी पेपर आए हुए हैं तो मैंने उनकी भी तैयारी करनी होती है, इसलिए वीडियो अपलोड करने में गैप आ रहा है।